बहुत मार मारा हमको, तो मारने के बाद फिर हम पापा भी फोन करे, तो पापा आए तो फिर हमको दांत लगा। एक महीना से लगातार वो टॉर्चर कर रहा था। अभी हम अरवल जिले के परासी थाना में, परासी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है मसूदपुर, और वहां पे एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। एक लड़की पढ़ने जा रही थी, कुछ एक मनचले युवक है जो बैठा हुआ था घात लगा करके, जाने पर लड़की के साथ मारपीट किया, दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज किया, बहुत सारी बातें हैं। और वो जो घटना हुई इसके बाद लड़की का जो हाल हुआ है वो क्या बताया जाए, 3 घंटे बेहोश रही है लड़की, और उसके बाद फिर इसको धीरे धीरे होश में आया, तो आज ये कुछ बयान देने के लिए आई है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप स्कूल कितने बजे जा रहे थे? 9 बजे। स्कूल 9 बजे जा रहे थे। अपने घर से निकलने के बाद क्या हुआ? जा रहे थे तो साइकिल से रोका बरियारी कि रुको, तो फिर वहाँ पर रुके तो ढकेल दिया साइकिल पर से, फिर ढकेला तो बहुत मार मारा हमको, तो मारने के बाद फिर हम पापा भी फोन करे, तो पापा आए तो फिर हमको दांत लग गया, बेहोश हो गए। तो फिर डॉक्टर में गए हॉस्पिटल सदर में, तो फिर वहाँ गए, तब वहाँ 3 बजे हमको होश आया, तो होश आने के बाद पानी चढ़ा 6 बोतल, तब जाके होश आया हमको। ये पहली घटना थी या फिर इसके पहले भी ऐसे करता है? पहला ही से करता था वो। क्या नाम है उसका? नाम है शशि साह। शशि साह, पहले से जब ये ऐसे करता था अपने घर में बोले थे? नहीं, पहले से ऐसा क्या हरकत करता था? भाई रोज साइकिल रोकता था, रोज हम लोग नहीं रोकते थे कि उसको यही काम रहते थे, हम उसके साथ बात ही करेंगे जबरदस्ती, तो हम चलते रहते थे, आप फिर गाड़ी देता था रोज, आप पिस्टल और चाकू ले रहता था। अच्छा, ये बहुत बड़ी घटना है ये कि वो लड़का डेली ऐसा करता था। सिर्फ आप ही के साथ ऐसा करता था, बदसलूकी करता था या फिर और सबको साथ है? तो जितने भी आपके यहाँ से लड़कियाँ जितने कितने अपने साथ में जाती थी? हम 3-4 लड़की थे। तीन चार लड़कियाँ थी, 3-4 के साथ जब ऐसा करता था कितने दिनों से करता? वो 1 महीने से कर रहा था। 1 महीने से कर रहा था। इसकी सूचना आप अपने घर वालों को नहीं दिए, जो और आपके साथ में जो लड़कियाँ थी, आपकी सहेलियाँ थी, वो घर वालों को क्यों नहीं बोले आप लोग जब इस तरह की बात हो रही थी? तो जबरदस्ती करता था, इसको घर पे बता क्या करें, मना करता था कि घर पे जाएंगे तो घर पे लड़ाई भी हो जाएगा, छोड़ दो, यही सब रहता है, तो हम लोग चलो चुपचाप से। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है, 1 महीने से लगातार प्रयास तंग कर रहा था वो, और ये घर में मजबूरी में आकर नहीं बोल रही थी कि घर में बोलने के बाद झगड़ा हो जाएगा, हमारे माता पिता के साथ लोग झगड़ा करेंगे या फिर ये लोग झगड़ा करेंगे, इसके वजह डर से नहीं बोल रही थी। आखिरकार सामने तो बात को लाना ही पड़ गया आपको। आ गया ना। आगे क्या करना चाहेंगे उसके खिलाफ आप? जो उसको सजा पड़ेगा तो सजा पड़ेगा, उसको सजा मिलना चाहिए। कौन क्लास में पढ़ती है? 9th क्लास में पढ़ती है। कमता हाई स्कूल में पढ़ती है ना आप? जो आपकी सहेलियां हैं साथ में, जो सहेलियां थी आपकी, उन्होंने क्या क्या किया आपके साथ? आप गिर गए, गिरने के बाद आप बेहोश हो गए, तो फिर सहेली लोग क्या? उन लोगों ने सब माथा पाथी रखा, तो फिर हाई करा तो करा सब करने पर, तब वो दांत नहीं छूटा था। अच्छा। तब फिर हमको गाड़ी पर बैठा के सब सहेली ले गई थी वहाँ सदर हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर सब गोड़ हाथ चाहता, फिर अथी लगा, तब जाके होश में आए थे। पिताजी का क्या नाम है? प्रमोद राम। कहीं ना कहीं दलित समाज से हैं, समाज दलित समाज हो या फिर चाहे जो भी समाज हो, लेकिन इस तरह का जो व्यवहार है, बर्ताव है कि कोई लड़का अगर किसी के साथ करता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उसे कोई लेन देन नहीं होता है, लेकिन अगर किसी लड़की के साथ इस तरह से होते हैं तो बहुत जघन्य अपराध इसको बोला जाता है। इनको 1 महीना से लगातार वो टॉर्चर कर रहा था। अब हाँ, और ये जो लड़की है घर में, ये किसी को बोलती नहीं थी, इसलिए नहीं बोलती थी कि घर में झगड़ा हो जाएगा। कुछ ऐसा कुछ प्रेम प्रसंग का मामला इसमें नहीं ना था? नहीं ना था, क्योंकि न्यूज में मैंने जब देखा था तो उसमें कुछ इस तरह की बातें कहा गया था न्यूज में। आपने भी कुछ बयान दिया था उसमें? क्या बोले? बहुत गाली दी थी उसको कि मैं वही नहीं है, हम लोग कैसे करता है, इतने पे मार दिया था। इतने पे मार दिया था ना? डेली इस तरह से 1 महीना से लगातार डेली ऐसे ही करता था?
दिल्ली में बैठा रहता था। हाँ, पीपरता पीपरता। और यहाँ से घर से कुछ दूरी होगा, लगभग 50 मीटर की दूरी पे होगा एक। हाँ वही, वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, वहीं पे वो बैठा रहता था घात लगा करके। ये लोग जाती थी तो टिप्पणी करता था वहाँ पे, अभद्र टिप्पणी करता था, जो कि सही नहीं है, समाज को एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उससे, लड़कियाँ परेशान होती हैं, लास्ट में आखिरकार बोलना ही पड़ गया लड़की को। ये घर में नहीं बोल रही थी, मैं दोबारा बोलने की कोशिश कर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 महीने से लगातार जो लड़का 1 महीने से लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, गलत बातें बोल रहा था, क्या और गलत गलत बातें बोलता होगा? रोज बोलता था। गाली गलौज भी करता था। अभी तक क्या हुआ? आप लोगों ने थाना में केस किया? केस हो गया। तो क्या वो थाना वाला कुछ आया आपके पास मिले? उतना हमको जानकारी नहीं है। आपके पास नहीं आए थे? थाने वाले सब आए थे, पार्टी नेता सब। अच्छा। सब फोटो तीर के ले गए, सब फोटो खींच के ले गए। अब बताइए, यहाँ पे नेता वाले, नेता भी आए, थाना वाले भी आए, सब फोटो इनका खींच के ले गए, लेकिन इनको न्याय कैसे मिलेगा? क्या इसी तरह हमारे देश के, हमारे गांव की बेटियां इस तरह से आज प्रताड़ित होती रहेंगी? क्योंकि इस तरह से मन चले युवकों की जो मनसा है बढ़ते जा रही धीरे धीरे गांव में, और इस तरह से अगर करते हैं तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध होता है। और मैं चाहूँगा कि इस बात को, इनको न्याय मिलना चाहिए, इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। ये कानून जो है अपने दायरे से इसको जानकारी पूरा इकट्ठा करे, आखिर मामला है क्या, से सही क्या है, गलत क्या है, सो पूरे मामला को निकालने की कोशिश करे। एक बहुत बड़ी घटना घट चुकी है यहाँ पे कि एक लड़का है जो घात लगाए बैठा रहता था, लड़कियाँ स्कूल जाती थी, उसको रोज के रोज परेशान करता था, वो लगभग 1 महीने से परेशान कर रहा था। आखिरकार लड़की ने तंग आ करके उसके साथ कुछ उसको बोला, उस पर उसने लड़की को बहुत मारा, इतना मारा कि अधमरा कर दिया। लास्ट में लड़की को हॉस्पिटल भर्ती किया गया। इसके बाद अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये उनका घर है, उस लड़की का घर है, जो कि एक दलित समाज से आते हैं, प्रमोद राम है उनका नाम, उनके लड़की का पिताजी का। और मैं सारी बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। और यहाँ पे हमारी बेटियाँ जो हैं आजकल सुरक्षित नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है। बिहार सरकार या फिर भारत सरकार ये कह रही है कि देश बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक तरफ देश बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। मैं पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल ये जो जगह है, मैं आपको बता दूँ जगह के बारे में, बिहार के एक अरवल जिले के परासी थाना के अंतर्गत मसदपुर गांव है, वहाँ पर एक घटना है, जो कि एक मनचले युवक है जो आरोप लग रहा है, जैसा कि बताया गया है हमें, मनचले युवक है जो कि एक घात लगाए बैठा रहता था, इनके घर से करीब 100 मीटर की दूरी पे बैठा रहता था वो। और उसके बाद जब लड़कियां इधर से स्कूल जाती थी तो वो उनके साथ अभद्र टिप्पणी करता था। अब समझ सकते हैं अभद्र टिप्पणी करने का मतलब क्या होता है। इससे रोज की रोज यही समस्या थी इसके साथ। लास्ट में लड़की ने अजीज होकर, तंग आकर के लड़की ने बोलना शुरू किया, तो उसके साथ लड़का ने बहुत मारपीट किया, मारपीट इतना किया कि लड़की को हॉस्पिटल तक जाना पड़ गया।